चंदिया उपडाकघर में आए दिन अधिकारियों के न रहने से नगर वासियों में काफी रोष व्याप्त है। वहां पर पदस्थ डाक अधिकारी समय पर नहीं आते, विलंब से खुलने के कारण लोगों को 20 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय जाकर अपना काम करवाना पड़ता है, जिससे लोगों की जेब पर असर पड़ता है। महीने का अंतिम दिन होने के कारण लोगों को पैसा जमा करना होता है, लेकिन अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण लोगों को पेनाल्टी देनी पड़ती है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा। डाकिया से पूछने पर पता चला कि अधिकारी को चोट लग गई है, इसलिए वह नहीं आए। कुछ न कुछ बहाना करके अधिकारी यहां से नदारद रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? गया प्रसाद द्विवेदी। तो आप यहां डाकघर में किस पद पर हैं? GDS। अच्छा, या अधिकारी कब से नहीं आ रहे हैं आपके यहाँ? नहीं आ रहे हैं। चेहरा इधर करिए थोड़ा। चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया। नहीं तो उच्च अधिकारियों द्वारा क्या आप जानकारी मिली क्या कि यहाँ पे कोई नहीं आया? आज महीने का लास्ट दिन है, लोग परेशान है बाहर खड़े लाइन में। हेलो, पता नहीं, अब साहब बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? गुलाब चंद सोनी। क्या समस्या आपको यहाँ डाकघर में? डाकघर से गत एक वर्ष से मैं ये देख रहा हूँ कि नियमित रूप से नहीं खुल रहा है और कर्मचारी समय पर यहाँ कर्तव्य पर अपनी उपस्थित नहीं होते हैं। मुझको मार्च माह की RD जमा करना था। मैं कल से यहाँ पोस्ट ऑफिस आ रहा हूँ, लेकिन कल पोस्ट ऑफिस खुला भी नहीं और आज पोस्ट ऑफिस का एक अंश दरवाज़ा खुला है, बाकी बंद है और कार्यकारी कर्मचारी कोई भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। अतः उच्च अधिकारियों से अपेक्षा है कि वो इस अनियमितता की जांच करके दोषी जन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। चंदिया से शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।